हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अगर आपके मोबाइल में ये जो गूगल जो है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, अगर वो डिलीट हो जाए तो आप वापस से उसको कैसे ला सकते हैं। 100% एकदम आपको सही तरीका मैं आपको बताऊंगी। तो आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें। वीडियो हमारा पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, कई बार क्या होता है कि बच्चों के हाथ में अपने मोबाइल दे देते हैं और उनसे गलती से डिलीट हो जाता है ये गूगल, या कभी हमसे खुद से भी हो जाता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको यही बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको मैं गूगल पर ये डिलीट करके दिखाऊंगी और इसके लिए आपको कोई इसको वापस लाने के लिए कोई वापस से लाने के लिए आपको कोई ऐप लाने का ज़रूरत नहीं है, ऐप को इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं है। तो आपको मैं ये डिलीट करके दिखा रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पे डिलीट हो गया। अब आपको यहाँ पे गूगल कहीं पे भी शो नहीं करेगा। ये देखिए, कहीं पे भी शो नहीं कर रहा है, नहीं है कहीं पे। सिंपली आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट साइड में आपको 3 बटन दिखेगा। लेफ्ट साइड में आपको एक बटन दिखेगा जिससे कि आप अपने ड्राफ्ट्स को क्लियर करते हैं, उसी को आपको सिंपली क्लिक करना है, जोर से क्लिक करना है। और जैसे ही आप इसको क्लिक करते हैं, आपको सिंपली बहुत सारा चीज़ देखने को मिलेगा, कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जैसे कि थीम्स हो गया, विजेट्स हो गया, वॉलपेपर, इफ़ेक्ट्स, लेआउट। तो सिंपली आपको विजेट्स में जाना है। विजेट्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारा चीज़ शो हो रहा है। देखिए, जैसे कि मेरा यहाँ पे गूगल गुम हो गया है, तो हम यहाँ पे गूगल पे क्लिक कर देंगे। गूगल पे क्लिक करने के बाद हम गूगल फीड पे क्लिक कर देंगे। देखिए, गूगल पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर सर्च वाले पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए, ये जो गूगल जो है हमारा यहाँ पे वापस आ गया। दे देखिए, ये बहुत ही आसान तरीका है, रेडमी के मोबाइल में हमेशा हो जाता है अक्सर। तो आप इस उपाय को यूज़ करके गूगल को वापस ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये था इंटरेस्टिंग ट्रिक। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो हमारा पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।